बिहार में चुनाव से पहले किसे बनाया गया कार्यकारी अध्यक्ष? सीट बंटवारे पर नीतीश कुमार से जीतनराम मांझी ने मुलाकात की। एनडीए से अलग होने पर एलजेपी में नहीं बन पाई एक राय। कहा यूपी पुलिस की फिर पलटी, वैन और गैंगस्टर की हुई मौत। यूपी बिहार से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 यूपी बिहार में आप देखिए। बिहार के भवन निर्माण मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी को बिहार जनता दल यूनाइटेड का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर अशोक चौधरी बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। जदयू, राजद और कांग्रेस के महागठबंधन में वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में अशोक चौधरी के नेतृत्व में ही कांग्रेस ने 27 सीटें जीती। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार और पूर्व सीएम जीतनराम मांझी की अहम बैठक हुई। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद ये दोनों नेताओं की पहली मुलाकात थी। दोनों नेताओं की बैठक के दौरान सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद जीतनराम मांझी ने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर हमारी बात हो चुकी है। बिहार चुनाव में एनडीए से चिराग पासवान की नाराजगी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार में एनडीए अटूट है और एलजेपी का मामला जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। उपेंद्र कुशवाहा से अगर बातचीत होगी तो जानकारी दी जाएगी। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के एनडीए से अलग होने के सवाल पर पार्टी में एक राय नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चिराग पासवान के फैसले से चाचा पशुपति पारस समेत चार सांसद सहमत नहीं हैं। चारों सांसदों ने पार्टी को बता दिया कि एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ा जाए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। यूपी के मिर्जापुर में बाइक सवार बदमाशों ने भीड़ भरे बाजार में शांति गोपाल फैक्ट्री के जनरल मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी। कबीर मठ इलाके में जेएम जीवेंदु रथ अपने साथी किशोर दास के साथ चुनार मार्केट में कपड़ा खरीदने आए थे। कपड़े खरीदने के बाद जीवेंदु रथ जैसे ही दुकान से बाहर निकले, वैसे ही बदमाशों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। यूपी में गोकशी रोकने के लिए योगी सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। अब गोहत्या करने वाले अपराधियों की भी संपत्ति जब्त की जा रही है। पुलिस ने मुरादाबाद के मैंठौर में गोकशी करने वाले 5 आरोपियों की 1,13,00,000 की संपत्ति जब्त की है। डीएम के आदेश पर पुलिस ने गोकशी के 5 आरोपियों आलम, मोहम्मद आलम, कलवा, तालिब और सलमान की संपत्ति जब्त की है। गैंगस्टर को मुंबई से लखनऊ ले जा रही यूपी पुलिस की गाड़ी मध्य प्रदेश के गुना में पलट गई, जिसमें सवार बदमाश फिरोज की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 2 पुलिस वाले समेत 4 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने बताया कि गुना के चचौड़ा इलाके में कार के सामने अचानक नीलगाय आ गई, जिसे बचाने के प्रयास में गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। यूपी के गोरखपुर में भी प्रशासन ने अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए उनकी अवैध संपत्तियों को ढहाना शुरू कर दिया है। गोरखपुर के माधोपुर में बना गैंगस्टर गणेश कौर का मकान पुलिस ने कुर्क कर लिया। गणेश पर लूट और हत्या जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। ढोल नगाड़े के साथ प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके करीबियों के अवैध साम्राज्य पर प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता ही जा रहा है। शहर के बेली इलाके में अतीक अहमद के शार्प शूटर गुट्टू के 50 कमरों के 2 मंजिला लॉज को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। अफसरों ने बताया कि अतीक गैंग के लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करके ये निर्माण कराया था। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी